नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं जीस मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए, यहाँ पर मेटलैब कंप्लीट हो चुका है, दो लेक्चर थे और आज हम इसके मेटलैब के नेक्स्ट टॉपिक जो है सिमलिंक है, सिमलिंक को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग को जाए। और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से 60 नोट्स का रिवीजन कराया गया, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा अगर नए हैं तो। और यहाँ पर देखिए माइक्रोप्रोसेसर, पीएलसी, स्काडा, इन सभी का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सिमलिंक एग्जाम है, थोड़ा सा टाइम भी कम है तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम से कम समय में प्रोवाइड कर सकूँ आपको। ठीक है, आइए हम लोग देखें, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए मक्स ब्लॉक हैज हाउ मेनी इनपुट। जो मक्स होता है, देखिए सिमलिंक में टोटल छः जो होते हैं, छः डिस्टिंक्ट ब्लॉक होते हैं, जिसमें देखिए साइन वेव होता है, गेन होता है, क्लॉक होता है और स्कोप, मक्स और टू वर्क स्पेस होता है। तो मक्स जो होता है, देखिए मक्स में एक्चुअली होता क्या है, ऐसे रहता है आपका सिंबल होता है, इधर एक इनपुट रहता है, इसके बाद आउटपुट जो होता है, देखिए आपके ऐसे दो रहते हैं, ठीक है, दो ऐसे है आपका इनपुट रहते हैं, दो इनपुट एक आउटपुट होता है मक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए यही पूछ रहा है कितने इनपुट होते हैं, तो दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है मक्स में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टिंक्ट सिमलिंक में डिस्टिंक्ट ब्लॉक होता है, ब्लॉक में टोटल छः जो होते हैं, टोटल छः जो है डिस्टिंक्ट ब्लॉक होते हैं, जिसमें से एक मक्स होता है उसमें से, तो मक्स में कितने इनपुट होते हैं, देखिए तो दो इनपुट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या है डिस्क्रिप्शन में, द मक्स ब्लॉक हैज़ टू इनपुट नेम पोजीशन एंड वेलासिटी। पोजीशन और वेलासिटी, एक देखिए उसमें जो दो ऐसे इनपुट रहते हैं, एक पोजीशन के लिए होता है और दूसरा वेलासिटी को कंट्रोल करने के लिए ये होता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट, इफ़ यू स्पेसिफाई स्केलर नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर एंड ऑल द इनपुट पोर्ट्स आर कनेक्टेड एज योर ड्रा न्यू सिग्नल लाइन क्लोज टू इनपुट साइन। अगर आपको मतलब कोई भी इनपुट देना है तो आप क्या करेंगे, मतलब इनपुट वाले से पोर्ट को कनेक्ट करा करके आप जैसे मतलब कि आप पैरामीटर को चाहते हैं उस हिसाब से अपना कनेक्ट करके ले सकते हैं आउटपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सिमलिंक है, सिमलिंक में क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलिंक इज़ द GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, बेस्ड एज, यहाँ पर देखिए होना चाहिए था कंपेरिजन सॉफ्टवेयर फार, तो ये किसके लिए होता है, देखिए मेटलैब होता है सिमलिंक जो है, ये मेटलैब का GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो मेटलैब में यूज होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये जो मतलब कि व्हाट इज डिफाइंड दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है ये क्या डिफाइंड करता है, देखिए तो इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है आपका, ये आपका अनकनेक्टेड आउटपुट पोर्ट होता है, अगर आपका आउटपुट पोर्ट जो है कनेक्टेड नहीं है तो उसके लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है, देखिए ए जो है ये करेक्ट है इसका। इसमें होता क्या है, देखिए अगर आप मतलब कि इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, आउटपुट में कोई भी आप आउटपुट नहीं ले रहे हैं तो उसको वो रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपका सिंबल शो करता है, मतलब कि आउटपुट आपका कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनकनेक्टेड आउटपुट पोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में सिमलिंक डेवलप किसने किया, देखिए ये जो आपका मेटलैब है, मेटलैब तो किसने डेवलप किया था, तो मेटलैब जो है देखिए 1983 में मैथवर्क्स ने डेवलप किया था, तो सिमलिंक भी कौन डेवलप किया था, मैथवर्क ने डेवलप किया गया था मैथवर्क के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डज दिस ब्लॉक डू। ये जो ब्लॉक है देखिए ये क्या करता है, ये पूछ रहा है स्कोप। आपको मैंने बताया था कि जो सिमलिंक होता है इसमें छः जो है डिस्टिंक्ट ब्लॉक होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, देखिए साइन वेव होते हैं, गेन होता है, ब्लॉक होता है, क्लॉक होता है और इसके बाद आपका स्कोप होता है, मक्स और टू वर्क स्पेस होता है। तो इसमें देखिए जो स्कोप है, स्कोप क्या, इसका मेन वर्क क्या होता है, तो इसका मेन वर्क होता है जो एडजस्ट द अमाउंट ऑफ, जो मतलब कि टाइम होता है उसको एडजस्ट करना, और इसके बाद इनपुट जो है मतलब इनपुट कितने रेंज तक आपको डिस्प्ले पर प्रोवाइड कराना है, शो कराना है, उसको ये शो करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, एडजस्ट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड रेंज ऑफ इनपुट वैल्यू डिस्प्लेड, इनपुट वैल्यू को ये डिस्प्ले कराता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले स्कोप सिमलिंक में, स्कोप जो होता है, स्कोप ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अमाउंट जो है टाइम होता है, टाइम को एडजस्ट करता है, और इनपुट जो है कितने मतलब रेंज तक डिस्प्ले कराना है उसको ये शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर फाइव का।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज दिस ब्लॉक टेक। ये सिग्नल जो होते हैं देखिए इसको क्या बोलते हैं, अभी आप पहला क्वेश्चन यही था कि ये जो सिग्नल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो मक्स होता है। देखिए मक्स इसको बोलते हैं हम लोग, तो मक्स में होता क्या है, देखिए एक्चुअली में ये किसी भी प्रकार का सिग्नल जो होता है उसको ये क्या करता है, इनपुट करता है, रीड करता है या एक्सेप्ट करता है, लेता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहला इसमें दो मतलब ब्लॉक होते हैं, तो एक क्या होता है देखिए इसमें जो पहला वाला ब्लॉक होता है ये क्या करता है कि पोजीशन को, ठीक है, टू इनपुट होते हैं, ये एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्या होता है विलास्टी को, विलास्टी को रोकर को। तो इसमें किसको कौन सा सिग्नल लेता है, देखिए इसमें रियल सिग्नल, कॉम्प्लेक्स सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, मतलब किसी प्रकार का सिग्नल हो, मतलब चाहे वो रियल हो, चाहे इमेजिनरी हो, या कॉम्प्लेक्स नंबरों का सिग्नल हो, या फिर डिजिटल सिग्नल हो, ये सभी सिग्नल को जो मक्स होता है वो एक्सेप्ट करता है या टेक करता है, लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है, एनी सिग्नल जो मक्स होता है कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी का जो है करेक्ट है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया, देख लीजिए, दिस ब्लॉक हैज़ एसेंशली बिन डिजाइन इन मैटलैब टू मल्टीप्लेक्स एनी काइंड ऑफ सिग्नल, किसी भी प्रकार का सिग्नल को ये क्या करता है मल्टीप्लेक्स करता है। इट एक्सेप्ट बोथ रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल, ये रियल और कॉम्प्लेक्स सिग्नल दोनों को क्या करता है टेक करता है। सो इट आल्सो टेक डिजिटल सिग्नल, या डिजिटल सिग्नल को भी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, द सिम्बलिंक मॉडल विल कंसिस्ट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ब्लॉक। जो सिम्बलिंक होता है मॉडल होता है उसमें जो डिस्टिंक्ट ब्लॉक होते हैं कितने होते हैं, तो आपको पहले बताया था छः होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है, छः होते हैं। अब छः कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें साइन वेव, गेन, क्लॉक, स्कोप, मक्स और वर्क स्पेस होता है, तो हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए तो ये आपका देखिए टोटल छः डिस्टिंक्ट ब्लॉक दिया गया है, तो साइन वेव है, देखिए गेन है, क्लॉक है, स्कोप है, इसके बाद मक्स और वर्क स्पेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट है, देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, इन द सिम्बलिंक मॉडल क्लॉक ब्लॉक लोकेशन, क्लॉक जो ब्लॉक लोकेशन होता है या किसके पास होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है, क्लॉक जो क्लॉक होता है उसका लोकेशन जो होता है वो सोर्स के पास में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है, देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द लाइन इन सिम्बलिंक। जो सिम्बलिंक है, सिम्बलिंक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। देखिए तो इसमें जो है, देखिए लाइन कैन नेवर इंजेक्ट ए सिग्नल इनटू अनदर लाइन, तो ये गलत है, देखिए ये गलत है। आप ऐसा कर सकते हैं, जो लाइन होती है उसको आप इंजेक्ट कर सकते हैं अनदर किसी दूसरे लाइन के साथ में, तो ये गलत है। इसमें देखिए लाइन ट्रांसमिट सिग्नल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो, बिल्कुल जो लाइन की ट्रांसमिट करते हैं जो एरो होता है वो डायरेक्शन दिखाता है, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो रन कर रहा है। लाइन कैन टैप ऑफ अनदर लाइन, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी टाइपिंग, किसी भी मतलब कि आप लाइन पर टाइपिंग करके इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डी नंबर क्या है, लाइन मस्ट ऑलवेज ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल ऑफ वन ब्लॉक टू द इनपुट टर्मिनल ऑफ अनदर ब्लॉक, बिल्कुल देखिए आप जो सिग्नल होती है, सिग्नल लाइन के सिग्नल होते हैं उसको क्या करते हैं एक ब्लॉक से मतलब कि टर्मिनल से इनपुट देकर दूसरे ब्लॉक के टर्मिनल से आउटपुट में लेते हैं उसको। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन है, देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंक ब्लॉक, कौन सा सिंक ब्लॉक नहीं है, तो देखिए साइन जो होता है, साइन वेव जो होता है सिंक ब्लॉक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। साइन वेव जो होता है देखिए सोर्स ब्लॉक होता है, तो सोर्स ब्लॉक जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए तो साइन वेव जो होता है सोर्स ब्लॉक होता है, और जो है आपका बाकी सब स्कोप हो गया, एक्स वाई ग्राफ हो गया, आपका फ्लोटिंग स्कोप हो गया, ये क्या है आपका सिंक ब्लॉक होते हैं। सोर्स ऑफ सिंक आप लोग जानते होंगे, देखिए जैसे सोर्स क्या होता है, जो एनर्जी को पावर को डिलीवर करे उसको सोर्स बोलते हैं, और जो मतलब कि एनर्जी या पावर को कंज्यूम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जैसे वोल्टमीटर उसे सिंक बोलते हैं, जैसे वोल्टमीटर हो गया, आपका मीटर हो गया, बैटरी हो गया, ये सब क्या है सोर्स हैं, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सभी क्या है आपके जो है सिंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ऑटो कैड बचा है, ऑटो कैड का हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ पर सिम्बलिंक जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।